नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज खबर यूपी के हमीरपुर जिले से है। हमीरपुर जिले में विधानसभा चुनाव को देखते हुए अवैध शराब पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को छापेमारी में घर से भारी मात्रा में मिलावटी शराब बरामद हुई। इस मौके पर शराब बनाते हुए एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया। साथ ही नकली शराब और शराब बनाने के मटेरियल से भरे ड्रमों को पुलिस ने कब्जे में लेकर आरोपी का चालान न्यायालय के लिए कर दिया गया। हमीरपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के बड़ा गांव में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की और एक घर से अवैध शराब की भट्टियां जलती हुई मिली। गांव निवासी महिला फूलमती काफी दिनों से अवैध शराब की भट्टी लगाकर नकली शराब बना रही थी। पुलिस की छापेमारी में 300 लीटर से अधिक कच्ची शराब, 5 क्विंटल शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाला लहन, केमिकल शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए। इस पूरे मामले पर सीओ हमीरपुर विवेक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया। आप देख रहे हैं हमीरपुर से संदीप कुमार की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए अवैध शराब के निष्कर्षण, परिवहन व विक्रय के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा ग्राम बड़ा गांव में दबिश दी गई, जहां पर 300 लीटर अवैध शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। साथ ही 5 क्विंटल लहन को नष्ट किया गया है। मौके पर शराब का निर्माण कर रही फूलमती पत्नी चरण सिंह को हिरासत में लेकर मुकदमा पंजीकृत, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।